लखनऊ में बनने वाले एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर को भारत सरकार से स्वीकृति मिल गई। उसकी भूमि संबंधित अन्य मूल्यांकन के लिए यूपी सरकार के निर्देश पर जिलाधिकारी ने एक कमेटी का गठन किया, जिसके अध्यक्ष अंबेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मनीष कुमार वर्मा को बनाया गया। जिला मुख्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक कमांडो ट्रेनिंग सेंटर राजधानी के सरोजनी नगर अनौरा गांव लखनऊ में बनाया जाएगा और इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी के जरिए यूपी सरकार व केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। रिसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन की नई नियमावली बनाई है, जिसके तहत कोई भी ज़मीन जब एक्वायर किया जाता है तो फाइनल बिफोर एक्विजिशन जो है एक इंडिपेंडेंट कमेटी उसको सारा कुछ इवैल्यूएट करती है और इवैल्यूएशन के बाद अपना रिपोर्ट सबमिट करती है कि सारे नियमों का पालन इसमें किया गया कि नहीं किया गया। इसी वास्ते जो है ये कमेटी बनाई गई है जिसका मैं अध्यक्ष नामित हुआ हूँ। हमारी जो कार्य रहेगी उसमें हमें ये देखना है, सबसे पहले तो हमें जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया गया एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा, जिन लोगों से ज़मीन एक्वायर किया जा रहा है वो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जो है सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं, उसके बाद जो है उस रिपोर्ट के आधार पे कमेटी गांव विजिट करेगी जहां से ज़मीन एक्वायर किया जा रहा है, उन लोगों से मिलेगी और उनसे बात करके उन तथ्यों को दोबारा सत्यापित करने का प्रयास करेगी जिन तथ्यों को उन सोशियो इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है, और इस सत्यापन के पश्चात जो है ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है जो जिलाधिकारी महोदय को सौंप दी जाएगी और उसके बाद जो है जिलाधिकारी महोदय अपने आधार पे उस जमीन का फाइनल जो है एक्विजिशन करेंगे।